नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। योगी सरकार के रामराज पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने दाग लगा ही दिया। अगर आरोप सही है तो यह घटना यूपी पुलिस का बर्बर चेहरा सामने लाती है। पीएम मोदी ने नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जिस देश में बेटी को इतना महत्व दिया जा रहा हो, वहाँ बेटी को पीटना और इतना पीटना कि उसकी मौत हो जाए, बहुत दर्दनाक वाकया है यह और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी। और ज़्यादा दुख की बात है कि खबर उत्तर प्रदेश से आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के दामन पर यह दाग लगा है, जिसे प्रदेश के मुख्यमंत्री के दामन पर भी दाग लगा दिया है। यह घटना सीएम योगी के लिए पुलिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को सामने लाती है। घटना और आरोप के अनुसार प्रदेश के चंदौली में रेत के एक कारोबारी के घर में पुलिस ने घुसकर बेटियों के साथ मारपीट की और मारपीट इतनी दर्दनाक की कि एक बेटी की मौत हो गई। यह घर कारोबी कन्हैया यादव का घर था और इस बर्बर मारपीट में उनकी बेटी निशा की मौत हो गई। पीड़ा देने वाली बात यह भी है कि इस बेटी निशा की शादी अगले महीने होनी थी। कन्हैया यादव की दूसरी बेटी गुंजा का कहना है कि 40 पुलिस वाले जबरदस्ती घर में घुसे और उन्होंने हम लोगों के साथ मारपीट की और दीदी को मारकर लटका दिया। हैरान ये बात भी करती है कि एक घर में 40 पुलिस जनों का घुसना क्या साबित करता है। एक घर जिसमें बेटियां हो, अगर उसमें 40 पुलिसकर्मी घुस रहे हो तो यह बहुत बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा करने वाली घटना है। प्रशासन ने फिलहाल SHO उदय प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया है। कन्हैया की गुड़िया चली गई। आरोप के अनुसार यूपी पुलिस ने उसकी बलि ले ली। गुड़िया उर्फ निशा की अगले महीने ही हाथ पीले होने थे, उसकी शादी होनी थी। घर से उसकी डोली उठी थी लेकिन अर्थी उठी। चंदौली में बालू के आड़त कारोबारी के घर पुलिस टीम तलाशी के लिए घुसी और उसकी बेटियों के साथ मारपीट की। सोशल मीडिया में जारी वीडियो पुलिस के कन्हैया यादव की बेटियों से किए गए बर्ताव पर सवाल उठाता है। इस घटना में कारोबारी कन्हैया यादव के घर घुसकर पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए बर्बर हमले के परिणाम स्वरूप हुई बड़ी बेटी निशा की मौत पर रोती बिलखती उनकी छोटी बेटी गुंजा ने पुलिसिया ज्यादतियों की दास्तान मीडिया को सुनाई। उसने कहा कि करीब 40 पुलिस वाले जबरदस्ती घर में घुसने लगे। हमने दरवाजे बंद करने की कोशिश की लेकिन धक्का मार कर इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। ये लोग हमें पीटने लगे। दीदी खुद को बचाने के लिए दूसरे कमरे में भागी और दरवाज़ा बंद कर लिया लेकिन गेट खोलकर उसको उन्होंने बहुत बुरी तरह मारा। कुछ देर तक मुझे उसकी आवाज़ आती रही। वो मुझे कहती रही गुंजा बचाओ, किसी को बुलाओ। निशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पुलिस का कहना है कि गले में और जबड़े में खरोंच के निशान है, कोई अंदरूनी और बाहरी चोट नहीं है। विश्रा को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी SHO को निलंबित कर दिया है। लेकिन शहर में तनाव का माहौल बरकरार है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि पुलिस को हत्यारा करार दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि यादव जाति को देखकर ही पुलिस ने जानबूझकर बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव किया है। लेकिन योगी सरकार इस आरोप को गलत बता रही है और इसको लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान भी सामने आ गया है। खैर, जो भी हो, जहां त्योहारों पर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारा कायम करने की पुलिस प्रशासन की सराहना हो रही है, वहीं चंदौली की घटना ने पुलिस की वर्दी पर एक बार फिर ऐसा दाग लगा दिया है जो शायद बड़ी मुश्किल से हटेगा, अगर हट पाएगा। फिर मिलते हैं अगले अपडेट में। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।